हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं नरेंद्र स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, मैथ बाय नरेंद्र पर। आज हमने जो फ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट कर रखा था उसको कंटिन्यू आगे और स्टार्ट करते हैं। और इसमें फ्रैक्शन हम जानते हैं बेन क्या होती है, बेनों कितने प्रकार की बेन होती है ना, फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है और उनकी बेस पर हम दूसरों को कंटिन्यू आगे की स्टार्ट करते हैं। पहले करते हैं कि आज फ्रैक्शन होती क्या है और फ्रैक्शन वो कितने डिवाइडेशन में भागों में बंटी हुई होती है और उसके बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं अलग अलग, उसी बेस पर आज क्वेश्चन कंटिन्यू आगे और करते हैं। पहले क्या बताते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है और फ्रैक्शन को किस प्रकार लिखा जाता है। कि फ्रैक्शन होती है तो फ्रैक्शन को हम क्या मानते हैं, एक्स अपॉन वाई के रूप में लिखते हैं, यही तो लिखते हैं। यानी जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है उसे क्या बोलते हैं, एंस, और जो नीचे लिखी होती है बट्टे में उसे क्या बोलते हैं, जबकि उसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में न्यूमरेटर यानी एंस, ये तो होता है। जबकि हर को हम क्या बोलते हैं, जो नीचे लिखी हुई वैल्यू थी उसको क्या बोलते हैं, हर हर को बोलते हैं न्यूमरेटर, ये तो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हर। जो ऊपर लिखी हुई वैल्यू उसे क्या बोलते हैं, एस। जबकि नीचे एस में लिखी हुई वैल्यू को न्यूमरेटर बोलते हैं, जबकि हर में लिखी हुई वैल्यू क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये तो बोलते हैं। और वो फ्रैक्शन, फिर रही बात आ गई, जो फ्रैक्शन होती है वो फ्रैक्शन कितने भागों में डिवाइडेशन होती है, यानी कितने प्रकार की होती है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी क्या होता है, फ्रैक्शन यानी बेन, यही तो होता है। बेन प्रकार कितनी की होती है, बेन को हम तीन भागों से कर सकते हैं डिवाइडेशन करके, अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। कि फ्रैक्शन होती है तीन प्रकार की, एक तो क्या होती है, पर वो फर्स्ट तो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि 2/7 इनटू सी वैल्यू यानी 1/7। इसमें क्या होता है, जो ऊपर लिखी हुई वैल्यू क्या होती है, न्यूमरेटर होती है, तो न्यूमरेटर क्या होती है, न्यूमरेटर से हमेशा छोटी होती है, तो न्यूमरेटर से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, न्यूमरेटर होती है। यही इसके अंदर प्रॉपर फ्रैक्शन में जो वैल्यू ऊपर लिखी होती है एस के अंदर यानी न्यूमरेटर के अंदर, वो न्यूमरेटर यानी हर वाली वैल्यू से क्या होती है, छोटी होती है। जबकि सेकंड टाइप क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू फ्रैक्शन प्रॉपर सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट में, जबकि सेकंड में क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यही तो होती है। इसमें क्या होता है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन में होती है, जो न्यूमरेटर होता है वो न्यूमरेटर से क्या होता है, स्मॉलेस्ट यानी कि छोटा होता है। जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो ऊपर लिखी हुई वैल्यू यानी एस में, न्यूमरेटर में जो वैल्यू लिखी हुई होती है वो बड़ी होती है, किससे, हर से, यानी इसे 5/2 लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो ऊपर लिखी हुई न्यूमरेटर होता है यानी अंश होता है, वो हर से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। उससे उसके केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि न्यूमरेटर है वो क्या है, उसके अंदर न्यूमरेटर थोड़ा स्मॉलेस्ट है, किससे, इस न्यूमरेटर से। इस केस में क्या होता है कि न्यूमरेटर तो हमेशा बड़ा होता है जबकि न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है। जबकि तीन टाइप, थ्री टाइप क्या होता है, ये तीन टाइप में क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टाइप होगी प्रॉपर फ्रैक्शन, जबकि सेकंड टाइप इंप्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड टाइप क्या होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी हम जो लिखते हैं मिश्रित बिन, यानी मिश्रित बिन बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित बिन यानी संख्याओं को किस प्रकार लिखा जाता है, मिश्रित बिन, यही होती है। जैसे ये क्या था, हमने 5/2, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस प्रकार लिख सकते हैं, 2/2, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इस प्रकार तो लिख सकते हैं। जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में जबकि इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू किस में आ जाएगी, इंप्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4, 4 में 1 ऐड करने पर कितना होता है, 5, तो 5/2। जबकि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें कौन सी फ्रैक्शन मिलेगी, इंप्रॉपर फ्रैक्शन, ये तो मिलेगी। तो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन के बारे में क्या, फ्रैक्शन होती है तीन प्रकार से कर सकते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है एक, इंप्रॉपर फ्रैक्शन, तीन नंबर होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो भी तीनों को हमने अलग अलग टाइप से एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीख किया। अब हम क्या करते हैं आगे, कि कन्वर्ट इन, इसमें किस किस प्रकार आता है कि कन्वर्ट इनटू इंप्रॉपर फ्रैक्शन या कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। जो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इंप्रॉपर फ्रैक्शन बुक सकता है, इंप्रॉपर फ्रैक्शन देके आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बुक सकता है। इन्हीं के बेस पर हम क्वेश्चन वाला कंटिन्यू आगे को करते हैं। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, यानी कन्वर्ट इनटू इंप्रॉपर फ्रैक्शन,
कोई फ्रैक्शन देख रहे हैं, हमें पूछे कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, यानी कि किस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि इसे कोई मिश्रित संख्या यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन देके आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पूछ लेता है, तो हम उस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर यानी कोई भी हम संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने पीछे क्या था यानी 22 से 1/2 आपको बोल दे, जब ये संख्या देख करके आपको पूछे कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो किस प्रकार करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि जो आता है मल्टीप्लाई के अंदर उसको क्या करते हैं इसमें ऐड कर देते हैं, ये तो करते हैं। यानी कि जब कि आपको दिया है 22 से 1/2 दिया हुआ है, तो इसको बोलता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, तो क्या करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो ऊपर न्यूमरेटर में जो डिजिट दी हुई होती है, जो संख्या दी हुई थी उसको क्या करते हैं उसको ऐड करते हैं, ये तो करते हैं। जब हम इसको एक फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 44, और 44 में जब 1 ऐड करेंगे तो उत्तर कितना आता है 45/2। इसी प्रकार तो करते हैं। जबकि नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपको कुछ भी संख्या बोले, यानी कि जब बोले कि 14 सही 2/7, ये वैल्यू देर आपको बोले कि कन्वर्ट इनटू इंप्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको इंप्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए, तब क्या करते हैं यानी जब इसको पहले क्या करेंगे इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जो न्यूमरेटर में जो संख्या दी हुई है उसको इस वैल्यू से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर हमें न्यूमरेटर में जो भी हमें डिजिट दी हुई है, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है, संख्या दी हुई है, तो उसको क्या करते हैं हमेशा ऐड करते हैं। जब 14 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 14 से 98, 98 जब 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 100, यानी 100/7, ये तो आता है। इसी प्रकार कोई एक एग्जांपल उठा लेते हैं, यानी 3 नंबर जो यानी कुछ भी, जैसे कि 66 से 2/3 आपको संख्या दे और उसको बोले कि आपको इसको किसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तब क्या करते हैं जैसे कि हमने 2 एग्जांपल ऊपर किया उसी प्रकार इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 6 से 18 क्या 6 से 18 19, यही तो आता है। जो ऊपर वैल्यू दी हुई है उसको हम ऐड कर देते हैं, बट अपॉन में यानी न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है 3, जब इसको ऐड करेंगे तब कितना आएगा 200/3, ये तो आएगा 200/3। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हो लेते हैं। जब नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो हमें संख्या दी हुई है उसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी किसमें मिश्रित वैल्यू में चेंज करना है, जो उसमें मिश्रित वैल्यू में जब चेंज करना तो क्या होता है, जो न्यूमरेटर में जो संख्या दी होती है वो न्यूमरेटर से छोटी दी हुई होती है, न्यूमरेटर से क्या दी होती है छोटी, यानी न्यूमरेटर क्या होता है बड़ा होता है, जब न्यूमरेटर क्या होता है उसके अंदर लेस एंड छोटा होता है, जब भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, जो नीचे हमें जो न्यूमरेटर में जो संख्या दी हुई है उसको न्यूमरेटर में जो संख्या दी हुई है ना उसको क्या करते हैं न्यूमरेटर से हम क्या करते हैं डिवाइडेशन करते हैं, तब फिर जो एक शेष पर में जो भी बचता है शेष के अंदर उसको क्या करते हैं सही बिंदु रूप में लिख लेते हैं। जब उसको करेंगे 19 को जब 80 से डिवाइडेशन करते हैं तो क्या आता है, कितनी बार डिवाइडेशन होता है 4 बार 19 चौक 76, यही तो होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 19 चौक 76, कितने बार डिवाइडेशन हुआ 4 बार, ये तो 19 चौक 76, जब भी 76 से कितना कम है 76 से कितना कम है 4 यूनिट, वो क्या करते हैं हमेशा ऊपर लिखते हैं, जैसे ही 19 को 19 से डिवाइडेशन करते हैं तो क्या 19 चौक 76 कितना बचा क्या 4, तो 4 पर क्या होता है ऊपर लिख देते लिख देते हैं ना, इसी प्रकार करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कौन लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल यानी कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2, यानी आपसे कोई संख्या यानी 100/11, इसको आपको बोले कि इसके मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो वैसे करते हैं जब 11 को 100 से डिवाइडेशन करते हैं तो क्या कितने बार डिवाइडेशन होता है 9 बार 11 यानी 99, यही तो होता है 11 यानी 99, अब 100 में से कितना कम है 99, 1 यूनिट कम है, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, ये तो इसका आंसर है। कोई वैल्यू और उठा लेते हैं 55/2, ये ले लेते हैं ना, जब 55 को 2 से डिवाइडेशन करता है कितनी बार जाता है 2 × 4 = 1 × 2 = 14, यानी 27 सही 1/2, ये तो आता है। अब हम टाइप नंबर 2 में क्या क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, फिर आ रहे यानी सेकंड जो सेकंड टाइप हमने किया उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने चेंज किया है। अब एक थर्ड टाइप और क्वेश्चन लेते हैं आगे, इसके अंदर हमने क्वेश्चन उठाया है वो सभी में क्या है इसके अंदर कि न्यूमरेटर जो सभी में सेम है, इसमें देखो 120 120, इसमें 165 165, इन दोनों संख्याओं में क्या 111 111, जब भी इस प्रकार का आपको कैलकुलेशन करना उसमें उस प्रकार का क्वेश्चन निकालो, यानी जब भी यानी दो संख्याएं दी हुई है उससे ऐसे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, यानी जब ऐड करना हो या फिर सब्सट्रैक्ट घटाना हो,
तो जब भी हमें जो उसकी डिजिट है यानी हर वाले जो संख्या हमें सेम दी हुई तो उसको किस प्रकार करते हैं, यानी आपको दिया हुआ है कि इसका 19/120 माइनस 11 से 100 सॉरी 19/120 माइनस 11/120 करना है। आपको जब इसको कैलकुलेशन करोगे किस प्रकार होगे, जब भी आपको संख्या सेम दी हुई है तो क्या करोगे 120 के तो 120 ये तो होगा, जो कि आपको न्यूमरेटर में जो संख्या दी हुई है उसको क्या करोगे सीधी यानी नेगेटिव यानी घटा दोगे, यही तो करना है। जब 19 में से 11 जाएगी तब कितने बचेंगे, 19 में से 11 घटाने पर कितना बचता है 8, ये तो बचता है 19 में से 11 घटाने पर 8। फिर इसको इतना ही नहीं रखना है जब तक ये संख्या स्मॉलेस्ट यानी छोटी से छोटी ना हो, जब तक इसको करना है। जब 8 से कटता है 8/120 होता है तो 8 एकम 8 4 में 4 का 40, जिसको फैलने वाला सूत्र में क्या प्राप्त हुआ 1/15 ये तो प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो हमें नेक्स्ट संख्या में क्या दिया हुआ है इसका डिनोमिनेटर हमें सेम दिया हुआ 165 है ना, तो इस प्रकार इसमें 120 था तो उसी प्रकार ये करना है, इसमें हमें दिया हुआ 165 तो 165 में क्या करते हैं 165 को अलग तो ले लेते हैं, जब सेम संख्या तो वही नीचे उतार लेते हैं, ये तो करते हैं। फिर इसका जो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं इसमें घटाना है तो इस वैल्यू से ये वैल्यू सीधी घटा देंगे तब कितना बचेगा 0, ये तो बचेगा 2, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 20/165। जबकि इस और किस संख्या से कर सकते हैं, यानी हमें ये संख्या नहीं रखनी है, हमें क्या रखना है स्मॉलेस्ट वैल्यू रखनी है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू पास ही करने पर क्या होगा 520 5 × 15 और 5 × 15 यानी 4/33 ये तो प्राप्त हुआ। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है 57/111 + 23/111, इसमें हमें दोनों में क्या था घटाना था, जबकि इसमें हमें क्या करना है जोड़ करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं जब भी हमें ड्यूमिनेटर सेम दिया तो उसकी जो हर वाली वैल्यू होती है यानी ड्यूमिनेटर होता है तो उसको क्या करते हैं उसको इक्वल यानी सेम रख लेते हैं 111 ये तो रख लेंगे। जब ये ऊपर हमें जो वैल्यू दी हुई है यानी कि 57/111 + 23/111 ऊपर जो वैल्यू हमें क्या दी हुई है यानी 57 से 23 तक तो उसको हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे तो 7 × 3 = 10 = 5 × 2 = 7 = 8 ये तो प्राप्त हुआ। जब ये 80/111 इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो इसको ये रहने देंगे ये तो करना है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की ओर लेते हैं, उसमें हमने क्या था क्या क्या था कि उसमें हर क्या था सेम था, जबकि अब हम इस नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे जब भी उस संख्या का ड्यूमिनेटर सेम ना हो तब हम उसको किस प्रकार से हल करेंगे। जब हमें दिया है कि 1/7 + 3/7 इस क्वेश्चन में ये तो दिया है कि इसमें क्या है ड्यूमिनेटर क्या है सेम नहीं है समान नहीं है, तो उसको क्वेश्चन को हमें किस प्रकार सॉल्यूशन करना है। जब ये सेम नहीं है तो क्या क्या करते हैं इसको जो हर वाली संख्या होती है उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी कितना प्राप्त हुआ 7 × 14 ये तो प्राप्त होगा। जबकि इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या प्राप्त होगा 7 × 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या प्राप्त होगा फिर 7 ये तो होगा। बीच में निशान किसका आएगा जो यहाँ पर जो निशान दिया हुआ वो यहाँ कर लेंगे ठीक है। फिर जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना प्राप्त होगा 6 ये तो प्राप्त होगा। जब 7 को 6 में ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 13 तो क्या उत्तर प्राप्त होगा 13/14 ये तो प्राप्त होगा, ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर प्राप्त होगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 7/11 + 4/9 करना है उसको हमें क्या करना है ऐड करना है, तो इस ऐड करने के लिए क्या करेंगे जो हर वाली संख्या होती है उसको तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना प्राप्त होगा 99/11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना प्राप्त होगा 99 ये तो प्राप्त होगा। जबकि ये है इसको क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 9 से 63 ये तो प्राप्त होगा। अब यहाँ पर निशान किसका रहेगा जो ये है यानी सारा वही तो रहेंगे। जब 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना प्राप्त होगा 11 × 4 = 44 ये तो प्राप्त होगा। जब ऊपर की संख्या को उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे कितना प्राप्त होगा 4 × 7 = 6 और 4 = 10 ये तो प्राप्त होगा 107/99। जबकि नेक्स्ट टाइम में क्या दिया हुआ है इन दोनों टाइम में क्या था उस इन दोनों टाइम में क्या था प्लस था यानी कि दोनों संख्या को ऐड करना था। जबकि नेक्स्ट टाइम में हमें क्या करना है दोनों संख्या को आपस में घटाना है तो इसको क्या करेंगे उसी तरह यानी उसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना प्राप्त होगा 96 ये तो प्राप्त हुआ। अरे इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना प्राप्त होगा 8 × 5 = 40 / 36 ये तो होगा। जब यहाँ पर निशान कौन सा होगा जो उसके बीच में निशान है वही तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ क्या है माइनस तो 40 में से 36 को घटाएंगे तब कितना बचेगा 4 ये तो बचेगा। जबकि ये वैल्यू क्या है ये वैल्यू से कटते तो स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे हम क्या करेंगे 4 × 4 = 8 × 4 = 16 यानी 1/24 इसका फाइनल आंसर ये प्राप्त हुआ।
जबकि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या करना है, इसी की तरह जो हमने निचले वाली संख्या है उसको हमने आपस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा, 17 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर 153। ये तो बचता है 153। फिर इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तब कितना प्राप्त होता है 9 की 27 और 17। तो 27 में से 17 को हम घटा देंगे तब कितना बचेगा 10। तो फाइनल आंसर क्या प्राप्त होगा, 10/153। ये तो प्राप्त होगा। अब मान लीजिए कि आपको ये तो दो संख्या तो सीमित था, अभी मान लो कि आपको जो तीन संख्या दी हुई हो यानी तीन संख्या वाले ऐड करना हो, तब किस प्रकार करते हैं, जब उसका क्या हो डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, ये तो है यानी 1/5 मान लेते हैं प्लस 3/25 प्लस 1/5 प्लस 3/25 प्लस 7/50। इसमें क्या है, इसमें भी क्या डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जबकि हमें क्या करना है एक या दो से अधिक संख्या को ऐड करना है, यानी इसमें तीन संख्या को ऐड करना है। तो किस प्रकार करते हैं कि इस वैल्यू को इस वैल्यू वाले एलसीएम इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यानी हर को डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि इसको इक्वल इसके इक्वल यानी एलसीएम के इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी उससे कि जो नीचे यानी न्यूमरेटरी संख्या है न्यूमरेटरी सॉरी वो क्या हो सेम प्राप्त हो जाए। इस उस न्यूमरेटरी से सेम करेंगे क्या करेंगे, इसको तब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाली न्यूमरेटर को क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगी 10/50 प्लस 6/50 प्लस 7/50, ये तो प्राप्त हुई। अब क्या करेंगे, जो नीचे हमें वैल्यू दी हुई है उसको क्या करते हैं लिख लिख देते हैं, जो नीचे वैल्यू सेम दी हुई है तो उसका एलसीएम भी वैसा क्या आता है सेम आता है, ये तो आता है। तो क्या होगा इसका एलसीएम 50, ये तो प्राप्त होगा। जबकि ऊपर जो हमें वैल्यू दी हुई है उसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ये तो होगा। जब इसको इसमें ऐड इसको इसमें ऐड करें तब कितना प्राप्त होगा 10, 7, 17, 17, 17, 20, 23, 23, ये तो प्राप्त होगा। ये इसका फाइनल आंसर प्राप्त होगा। समरिष्ट इसको ले नहीं सकते क्योंकि 23/50 इसी से कैसे कटते नहीं है, तो 23/50 से क्या फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। इस टाइम में हमें क्या करना है कि नेगेटिव फ्रैक्शन इनटू पॉजिटिव फ्रैक्शन, जब आपको क्या नेगेटिव फ्रैक्शन देखकर क्या सॉरी पहले क्या दी हो नेगेटिव यानी पॉजिटिव फ्रैक्शन दी हुई फिर उसमें से नेगेटिव फ्रैक्शन हमें घटानी हो या जोड़नी हो। जैसे इस क्वेश्चन मान लेते हैं 5 - 2/7 ये दी हुई है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमें कई बार मिल जाता है, तब इस क्वेश्चन में हम किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे, आप किस प्रकार करते हो, ऐसे करते हो 5 - 2/7 इसका लघुत्तम लेते हो, 7 - 35 - 2 ये तो करते हो, फिर फाइनल आंसर आपका कितना आता है 33/7 ये आता है। जबकि आपको इतना करने की कतई आवश्यकता नहीं है, इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे सॉल्व ट्रिक के माध्यम से हम करते हैं। जब आपको ये दी हुई हो 5 - 2/7 दी हुई हो तब क्या करते हैं, जो संख्या यहाँ पर दी हुई होती है यानी उसका क्या करते हैं डिफरेंस, हमेशा क्या करते हैं डिफरेंस लेते हैं यानी फिक्स्ड माइनस एक करते हैं, कुछ भी संख्या उसमें से फिक्स्ड एक वैल्यू करेंगे यानी माइनस एक घटाएंगे, ये तो घटाएंगे, तब हमें कितना प्राप्त होगा 4, ये तो प्राप्त होगा 4, ये तो प्राप्त होगा। जबकि ऊपर जो वैल्यू हमें दी हुई है जो जब ऊपर में जो वैल्यू दी हुई है उसमें क्या करते हैं जो ऊपर दी हुई होती है यानी 2 यानी 2 में दी हुई जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू दी हुई होती है वो क्या करते हैं जो न्यूमरेटर ये हर में यानी जो संख्या होती है उससे क्या करते हैं घटाते हैं, जो अंश में जो संख्या दी हुई होती है वो क्या करते हैं हर में से घटाते हैं, तब कितना बच जाता है यानी जब 7 में से 2 घटाएंगे तब कितना बचेगा 5, जबकि हर में क्या आएगा 7, यही तो आएगा। ये पिछले वाले वैल्यू में था, पिछले वाले वैल्यू में क्या था 33/7, ये तो क्या था 33/7, तो 33/7 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तब क्या लिखेंगे 4 से ही 5/7 ये तो लिखेंगे, ये तो यहाँ पर आपको। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, जैसे कोई वैल्यू है 33 - 25 क्या लेते हैं 52 ले लेते हैं, ठीक है 33 - 25/52 ये भी है। तो इसको हमें ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार करेंगे, इसमें क्या 33 - 25/52 लिखा हुआ है तो इसमें से क्या करते हैं 1 - 1 यानी फिक्स्ड है, ये हमें क्या करना है माइनस 1 करना है, ये क्या है फिक्स्ड है। जब 33 में से
ए घटा देंगे तब हमारे पास कितना बन जाएगा 32, ये तो बन जाएगा 32, ये तो बन जाएगा। फिर क्या करते हैं, जो हर में जो वैल्यू दी हुई होती है उसमें से कौन सी वैल्यू उठाते हैं, एंस वाली वैल्यू। तो हर में से जो वैल्यू दी होती है वो तो क्या करते हैं, सेम रख लेते हैं, 52 रख लिया। जबकि जो एंस में जो वैल्यू दी हुई होती है वो क्या करते हैं, हमें घटाते हैं, किस में से, हर में दी हुई वैल्यू से घटाते हैं। तब कितना बचता है 27, ये तो बचता है। 52 में से जब 25 घटाएंगे तब कितना बचेगा 27, यही तो होता है। जब 52 में से 25 घटाएंगे तब हमारे पास कितना प्राप्त होगा 27, यही तो प्राप्त होगा। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। आज के लिए इतने बहुत है, प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू, आप अधिक शुभ रहें।